देख रहे हैं डार्क क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। ठाकुर द्वारा कोतवाली। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई, या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो, ए पर्वत रास्ता दे मुझे, ए कांटो दामन छोड़ दो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये देश इस समाज में हो रही है तो नकल नकल नकल। अबे अपने विवेक का इस्तेमाल नकल कर सकते हो, नकल कर सकते हो। बड़े बड़े पत्रकार कमेंट्स करके आ जाओ, शनिवार के बाजार में हलीम बिकता है या बिरयानी या क्रेजी मैन न्यूज चैनल से पूछने की बात नहीं है। सोच के देख कितने बड़े पत्रकार हो, कितना बड़ा बैनर चलाते हो, कितना बड़ा चैनल चलाते हो। दम नहीं है, अबे दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। दम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। दुनिया में दिखावा, और ये समाज दिखावे पर जा रहा है, दिखावे पर जा रहा है। और चापलूस गुलाम इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी, गुलाम गुलाम मीडिया, मुझे फिर ना आगे पीछे फिरना गुलाम बना हुआ है, गुलाम गुलाम गुलामिया करते, क्योंकि ये हिंदुस्तान गुलामों का देश है, गुलामों का देश है। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल हौसला सच दिखलाने का गड्ढे पर वीडियो बनाता तो गड्ढे पर वीडियो बनाने गए, और अगर कहीं वीडियो बनाता तो वीडियो बनाया भाई तुम कार से आओगे, हेलीकॉप्टर दावे तेरी माँ ने दम है तो सड़क पर उतर के आ जा, अपनी माँ से पूछ। सही रूप चंकी पांडे पैदा करने में सदियां बीत जाएंगी, भगत सिंह तो पैदा कर नहीं पाए, समझिए ए भी सीढ़े नहीं जानते, इतिहास पढ़ा नहीं है, एक लफ्ज नहीं जानते औरों का। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून, क्रेजी मैन हमेशा सबसे टकराएगा। हिम्मत हो तो टकरा कर देख लो, द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने की न्यूज़ बनाओ। जनपद मुरादाबाद का ठाकुर तहसील राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ काफी कई दिनों से वर्षा लगातार हो रही है, बारिश हो रही है, और देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए कुड़का नदी है, कुड़का है, और कुड़का में पानी काफी बहाव के साथ चल रहा है। खेत खलिहानों में भी पानी भर गया है, दो दिन की लगातार वर्षा, दो दिन की लगातार बारिश से। देखिएगा मैं आप दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा ये कुड़का नदी है, यहाँ देखिए ठाकुर द्वारा तहसील मुंडो वाला रोड, देखिए ये यहाँ पर अभी अभी पीछे सड़क निर्माण हुआ था, सड़क निर्माण नगर में हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, गड्ढे और खड्डे बराबर हैं, और ये रोड अभी पीछे बना था। इसी तरह से इस देश के साथ हो रहा है छल, इस देश के साथ छल हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस देश में गलत गलत, लेकिन लोग डरते हैं, बोलते नहीं हैं, चुप। देखिए किस कदर वर्षा से, देखिएगा ये बहती, अरे ये कुड़का नदी से कितना पानी यहाँ खेतों खेत खलिहानों में भर गया है, और फसल बर्बाद हो रही है। देखिए ये पुलिया बनी हुई है, सड़क बनी थी और पुलिया, देखिएगा पुलिया, ये निर्माण सड़क निर्माण भी देखिए सब टूट गया है, और किस तरह से यहाँ इसी तरह से इस समाज में कहीं हो रहा है तो गलत 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 गलत। देखिए किस तरह से कितना नुकसान है, ये देखिएगा किसान किसान कभी सूखे के कारण, कभी वर्षा के कारण यूं ही बर्बाद हो जाता है, और इस देश की पार्टियां मजा ले रहे हैं, मजा ले इस देश की पार्टियां मजा ले रही हैं। किसान और मजदूर खेत में काम करता करता उसने ढोल पर अपना दम तोड़ दिया, और आसानी से गाड़ियों में घूम रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं, मलाई चाट रहे हैं किसान,
खेत में पानी निकाल लिया। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी है सरकार बदलो। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी है सरकार बदलो, सरकार बदलो। कब तक सरकारें बदलेंगे? 75 सालों से सरकारें बदलते चले आ रहे हैं। भैया सही है गलत? गलत। 75 सालों से सरकारें बदलने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार बदलने से कुछ होने वाला? कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बदलने से कुछ नहीं हो सकता, सत्ता बदलने से कुछ नहीं हो सकता जब तक यहाँ की व्यवस्था ना बदले। देखिएगा किस तरह से ये पुलिया, देखिएगा सेपन डाल दिया, पुलिया नहीं सेपन डाल दी, पुलिया की जगह है ये। देखिएगा किस तरह पुल बनना चाहिए था, पुलिया बननी चाहिए थी, सेपन डाल दिया। तो ये घोर अन्याय है। हाँ, घोर अन्याय है। इसी तरह से इस देश में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं छल छल और सच दिखला। सही बात है। ये किसान बैठे हैं, ये देखिएगा किस तरह से किसान बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। और ये क्या करें, देखिए किस तरह से ये बहती आ गई है और कितना बर्बादी हो गई है। देखिएगा भैया हमारे टेंशन में देखिए बोल नहीं पाएंगे। देखिए भाई की हालत, इस देश का पालता पालता किसान और मजदूर डोल पर उसने अपना दम तोड़ दिया। घूम रहे हैं जो डॉग एक कुत्ता गोद में बैठता है और फॉर्च्यूनर में घूमता है, और फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, और एक मानव मनुष्य भूखा। रास्ते में मैंने देखा एक बच्चा घूरी पे से टुकड़ा उठा करके खा रहा। बताइए कितने दुख की बात है या नहीं है। और कुत्ता जगह जगह भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया, महिलाएं कूड़ा भी नहीं है, पन्नियां धो रही हैं, उन पन्नियों के अंदर खतरनाक केमिकल। कितनी महिलाओं की आंखें खराब हो गई, कितनी महिलाओं की किडनी खराब हो गई। सही बात। कितनी महिलाओं के फेफड़े नष्ट हो गए, लेकिन मस्त हैं, क्योंकि देश में गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है। अगर 10 औरतें खत्म हो जाएंगी तो 100 आ जाएंगी। भैया सही या गलत? सही बात है। 10 औरतें खत्म हो जाएंगी तो 100 आ जाएंगी, 10 की जगह 100 आ जाएंगी। इसी तरह से इस देश को लूटा जा रहा है, ठगा साथ हो रहा है, तो छल। भैया ये देश में देखिए आज से ही ऐसा नहीं हो रहा, सदियों से ऐसा हो रहा है, सदियों से ऐसा। और पहले इतना नहीं था जितना अब हो चुका। हाँ, अति का वेर है, अति को अंत है, लेकिन था होता पहले से ही आ रहा है। कोई कम कोई ज्यादा तरीका नहीं बदला सर। पहले रोड मजबूत था, अब तो जो ऐसा हो रहा है। पहले अंग्रेज चले गए इस देश से, शायद कुछ बदला। भैया इस देश में कुछ बदला क्या अंग्रेज होकर जाने के बाद? अरे आप भी तो वही है, रोजगार नहीं होने की खातिर 100 रुपए की भी नहीं है, 100 रुपए की भी नहीं है, नदियां बढ़ लिया। 100 रुपए की नहीं है क्या? 50 रुपए की 40 रुपए की मछलियां मिल जाए तो क्या उससे गुजारा हो पाएगा? देखिए मजबूर है और पानी में बड़े पड़े हैं। इस देश की सबसे बड़ी परेशानी है कि हम कहीं ना कहीं कमजोर, क्योंकि सच बोलते नहीं है। सच बोलते नहीं है और झूठ ने इस देश को खा लिया, इस देश की कमर तोड़ कर रख दी। झूठ के चक्रव्यूह में इन पार्टियों ने इस देश को फंसा लिया। जी, इस देश को फंसा लिया झूठ बोल बोल कर। इसी तरह से झूठ बोलते हैं और वोट ले आते हैं। सही है भैया? जी, झूठ बोलते हैं और सही ले जाते हैं। 2 किलो यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। जी, राशन वितराली फ्री मिलेगी और उसके बाद खाल खींच ली जाती है डीजल महंगा देकर, पेट्रोल महंगा देकर। पहले राशन मिल लिया था फ्री जी, दोनों टाइम 15 दिन में फ्री है और उसके बाद 15 दिन में फ्री है। अब तो वो फ्री भी खत्म हो गया। चाहती क्या है गवर्नमेंट जो है हम मनाते हैं ना। जी, गवर्नमेंट को हम मना रहे हैं। अच्छा है, अच्छा खासा नौजवान नौकरी की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है। मछली मार रहे हैं, मछली पकड़ लिया, क्या बात है। ये ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएट, वाह क्या बात है भाई। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, थैंक यू, लव यू। देखिएगा किस तरह से इस देश को थैंक्स बोलना चाहिए, इस देश को थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स नो, थैंक्स पीएम मोदी। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि यहाँ का हिंदुस्तानी काफी स्ट्रांग है, भैया इस तरफ स्ट्रांग है,
ताकतवर है। सुबह ही उठते ही किसान, हम क्योंकि हम किसान है, किसान मजदूर के, किसान मजदूर के बेटे हैं, तो सुबह ही उठने के बाद में बासी रोटी चटनी से या प्याज से खाता था। आज रोटी नहीं मिलती तो अंग्रेज, अंग्रेज ने उसको, उसकी ताकत को खत्म करने के लिए, उसकी ताकत को खत्म करने के लिए, देखिए ये मछलियां मार रहा, उसकी ताकत को खत्म करने के लिए जगह जगह चाय अलाउ कर दी, जगह जगह चाय अलाउ कर दी, चाय फ्री में बांटी। भैया सही है गलत? फ्री में बांटी चौराहों पर। उसके बाद में जब चाय का लती बन गया तो चाय, फिर उसके बाद में 2 रुपए की चाय और 2 रुपए से फिर 5 रुपए की चाय, आज 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए तक की चाय बिकती है। और उठते ही हमारे देश का हिंदुस्तानी पहले चाय मांगता। भैया सही? तो हम स्वदेशी कहाँ अपना रहे हैं, विदेशी अपना रहे हैं ना। आज विदेशी कंपनियां सबसे ज्यादा है यहाँ पर, विदेशी कंपनियां जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे विदेशी हैं। जी सर, सर। हिंदुस्तान का पैसा सब विदेशों में जा रहा है, समझ आ रहा है। गैस इतनी महंगाई कर दी है, 700 रुपए का सिलेंडर था, 450 का था, अब इन्होंने 1100 पर पहुंचाने की वो कर दी है। अब क्या जलाएंगे बरसात में, ये ला लो लकड़ी ला रही हूँ, ये बताइए सुखाऊंगा जब जा रोटी बनेगी। कितनी बड़ी, अरे इस देश में जो हो रहा है, इस देश में जो हो रहा भैया, इसे देखने के बाद में आदमी जी पाएगा, बताइए आप जी पाएगा? कहीं मरना चाहे, मरे हुए तो है, अब लाए तड़प रहेंगे, मरे मोटरसाइकिल ये भैया, मोटरसाइकिल आप चला कहाँ से पाएंगे? जब 100 रुपए से पार तेल होगा पेट्रोल, आप कैसे 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 करेंगे? मोटरसाइकिल थी साहब मेरे पास 2011 में जी, फिर 15 में भी मोटरसाइकिल थी, 18 में भी थी, जब 22 लगी तो मेरे पास सब मोटरसाइकिल भी चली गई। ये साइकिल है, ये साइकिल भी चली जाएगी, साइकिल भी चली गई, साइकिल साइकिल की सरकारी चली गई, साइकिल भी चली जाएगी। हाथी चला गया, हाथी चला गया, पंजा चला गया, अब कमल के फूल की बारी है। भैया रोड देखिए किस तरह से ला रहे हैं भैया हमारे, कैसा लग रहा है आपको इनके गड्ढों में, कैसे लग, गड्ढों के अंदर कैसे लेकर जा रहे हैं? एवरेज भी नहीं दे पा रही, देखिए वो कह रहा रोड में कहाँ एवरेज आएगा। देखिए देश में टैक्स नहीं जाता, जब टैक्स जा रहा है तो ये रोड बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए सब सुनता हूं। तो इस देश के साथ कहना डिजिटल इंडिया बनाना, ये डिजिटल इंडिया की तस्वीर है। अगर ये गड्ढे में पलट जाए या इसके आगे कोई आ जाए, ई रिक्शा वाला, पैदल चलने वाला, तो दोष आपके सर आएगा और आपके पीछे जनता भागेगी, भावुक हो जाएगी, जान से मारने के लिए आपको लग जाएंगे, लेकिन दोष